अस्सलाम वालेकुम। एक चिल्ला सैफुल्ला जिथे मेरा घर है गए इत्थे पानी आए रात नूं तां घरां नूं इह सामने घर है गए ने घरां दे पासे पानी जांदा पिस पानी इस साइड तों आया तां कोई घरां तों परली साइड तों आया ते लोगां ने कुरान अगे कर दित्ता पानी दे अगे कुरान रख दित्ता ते अल्लाह ताला ने जमीन फाड़ दित्ती। पानी जिहड़ा वी इह जमीन दे अंदर जांदा पिआ उह इह पानी तों नज़रदा पिआ ये पानी जमीन के अंदर जाता पे जड़ा पानी आया तकरीबन सारा पानी जमीन के अंदर जम हो गया। अल्लाह ताला दा निज़ाम है बहुत हूँ वेखते पे जमीन मशीन लिया है इलाके आड़े ने हूँ वेखते पे कि किन्ना डूंगा है तो अगर थोड़ा डूंगा है तो मुड़ बजरी सड़ते ना ये घर के नाल जड़े बंद करते स अगर बहुत थले है गए तो मुड़ रहन देना है लेकिन उन्होंने बस कर दी थी बहुत थले देखो बहुत थले मशीन है जब वो जो पाकट है वो थले नहीं जाता तकरीबन शमाल जनू 3-4 किलोमीटर फटी है तो मुड़ शमाल जनू जब मुरबस मुरबे दायरे च फट गई जमीन बस वो घर सारे बच गए पानी सारा थले चला गया ते बहुत ही थले जमीन फटी है तो बहुत ही निजाम शमाल जनू फटते ना तो मुड़ मशरक आड़े पास एक लाइन फटी है तकरीबन 3-4 किलोमीटर ये है ने भाई अल्लाह ताला दे ताकत है जेड़े छोटे होंदे से कारून दा किस्सा पढ़दे से अजीब लगदा कि कारून जमीन दे विच किवें वड़दा लेकिन अज वेख लिया कि जमीन अल्लाह ताला दा टाइम नहीं लगता जमीन उत्ते अल्लाह ताला ने बनाई हुई है अल्लाह ताला ने अपने ताकत नाल बनाई हुई है जमीन दी की औकात है अल्लाह ताला दे अगे तो बस हूँ ये कुरान अगे किता ने अल्लाह ताला ने जमीन फाड़ सटी तकरीबन 3-4 फुट चौड़ाई है की जमीन तो बाकी लंबाई तो बहुत है तकरीबन 5-6 किलोमीटर एक साइड से 5-6 किलोमीटर दूसरे साइड से ये जमीन फटी हुई है। मैं लाइव वीडियो चलाई है तो मैं लोगों ने मैं भी खा देवा अल्लाह करे कोई नसीहत पकड़ लवे।